20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये किसी से छिपा नहीं है कि महीनों तक चले हिंदुओं के योजनाबद्ध नरसंहार में तथाकथित मोपला स्वतंत्रता सेनानियों ने 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की थी। यह आंदोलन बेहद हिंसक था। इसमें जमींदारों के घरों को लूटा गया, उन घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। वहीं 19 नवंबर 1921 को 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए मालाबार से कोयम्बटूर भेजा जा रहा था। उन्हें सामान ढोने वाली बोगी में बंद रखा गया था, लेकिन 5 घंटे के बाद जब उनके दरवाजे खोले गए तो सभी की मौत हो चुकी थी। मोपला विद्रोह का संबंध हिंदुओं की सुनियोजित हत्या से था, न कि अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में कोई भी लड़ाई की गई थी। 6 महीने तक चले इस दंगे में हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई। बावजूद इसके इन सभी नामों को भारत में स्वतंत्रता सेनानी बताकर पढ़ाया जाता रहा। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।